प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लाई खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और ये दोनों चर्चा करेंगी बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट और बहुत सारे सेंसिटिव मुद्दों पे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। मैं ना मार सकूं तो तुम लोग मार देना, क्या इतना आसान होता है? ये किसी काम में फंस गया तो बाकी मुसलमानों को ये जिम्मेदारी दे रहा है, भारत के मुसलमानों को, कि मैं किसी काम में फंस गया तुम लोग मार दो। मतलब कितना आसान है, दाढ़ी रख लो और कहो कि हम सुन्नत रसूल मान रहे हैं, टोपी पहन लो और कह दो कि हम सुन्नत रसूल मान रहे हैं, कुर्ता पहन लो, साफा डाल लो, कहो कि हम मुसलमान हैं, और भारत के देश के प्रधानमंत्री को मारने की स्ट्रेटजी भी कर रहा है और साथ साथ बाकी मुसलमानों को प्रोवोक भी कर रहा है कि वो नहीं मार पाएगा तो बाकी मुसलमान मर्द मार देंगे। और सोशल मीडिया पे ये कंपेन चला रहा है, कंपेन चला रहा है, कोई डर नहीं। अब आप सोचो, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं सबूत के साथ बात करूंगी, मैं हवाबाजी पे बात नहीं करूंगी। और जिस तरह से शैला, आप मेरे ट्विटर एक्स को आप देखिएगा और जितने भी व्यूअर्स आपके सुन रहे हैं वो भी मेरे ट्विटर एक्स पर जाकर के देखें किस तरह से गालियों की बारिश मुझे की जाती है, किस तरह से मेरी मरी हुई दादी, मेरी मरी हुई नानी के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर के गालियां देते हैं, मेरी माँ को गंदी गंदी गालियां देते हैं, मेरे पिता को गंदी गंदी गालियां देते हैं, मुझे तो खैर मतलब गालियों से नहला डाला है सर से पैर तक मुसलमानों ने। नाम लिखता है हाजी फलाना और नीचे गंदी गंदी गालियां लिख रहा है, नाम लिखता है मोहम्मद मोइन और नीचे गंदी गंदी गालियां लिखता है, नाम लिखता है मोहम्मद शब्बीर मोहम्मद और नीचे गंदी गंदी गालियां लिखता है, एकदम गंदी। आप कोई भी जो भी मेरी मेरा और आपका ये देख रहा है रिकॉर्डिंग, वो बिल्कुल मेरे ट्विटर एक्स पर जाकर के वो चेक कर ले। इतनी गंदी गालियां कि मैं शब्दों से बोल नहीं सकती हूं। और अभी तो मैंने आपको प्रूफ दे दिया कि देखिए क्या हो रहा है। अब मैं बोलना चाहती हूं, अवेसी हो, मदनी हो, बुखारी हो, तौकीर हो, या जितने भी मुसलमान मर्द है, क्योंकि इनको लगता है कि इस्लाम तो यही बचा रहे हैं, इनकी वजह से ही इस्लाम बचा हुआ है, मर्दों की वजह से ही, तो जितने भी मुसलमान समाज के ठेकेदार हैं वो एक बार सोच कर समझ कर ये बताएं कि मुस्लिम खुद को सुरक्षित कहां समझता है, कहां पर मुसलमान खुद को सुरक्षित समझता है। मैं समय देती हूं कि सोच समझ करके बताएं, अवेसी भी बताएं और जितने भी मुसलमान समाज के ठेकेदार हैं और जितने भी मुसलमान मर्द हैं वो सोच समझ करके बताएं कि वो अपने आप को सुरक्षित कहां समझता है। भारत में सऊदीया से ज्यादा मुसलमान है, पाकिस्तान से ज्यादा भारत में मस्जिद और मदरसा है, दोनों मुस्लिम देश है। अब क्या मुसलमान पाकिस्तान में सुकून से है, शुमालिया में सुकून से है, लीबिया में सुकून से है, अफगानिस्तान में सुकून से है, ईरान में सुकून से है, हर जगह तो लड़ रहा है, कट रहा है, मर रहा है हर जगह। अब मुसलमान अमेरिका जाता है, वहां भी वो वही दंगई, आतंक, जंगजू, उठाओ तलवार, निकालो सलवार, उठाओ तलवार, काटो गला, वही करता है। लंदन जाता है, वही करता है, अरब जाता है, वही करता है। मतलब जब तक इसको दूसरे
धर्म वाले मिलते रहते हैं मुसलमानों को, वो दूसरे धर्म को काफिर बोल करके, यहूदी बोल करके, ईसाई बोल करके काटता मारता रहता है। और जब ये सारे खत्म हो जाते हैं, जब वो नहीं मिलते हैं, तो फिर मुसलमान फिरके के नाम पर एक दूसरे को काटता और मारता है। चलो आप जिस देश इस्लामिक मुस्लिम देश में रहती हैं, उस देश में मात्र 1% माइनॉरिटीज हैं, फिर आपके यहाँ बम गोली क्यों चलता है? और वो 1% में इतनी ताकत और हिम्मत आप लोगों ने छोड़ी नहीं है कि वो अपनी बात को भी कहीं पर जाकर के सामने में रख सके, कहीं नहीं रख पाता है। अब मेरा कहना है कि जितने भी इस्लामिक देश हैं, जितने भी मुसलमान देश हैं, आज सऊदी अरब में स्विमिंग कॉस्ट्यूम में फैशन शो हो रहा है, ठीक है, ईरान में मुसलमान मर्द मस्जिद को तौबा कर चुके हैं कि मस्जिद नहीं जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, ये ईरान की बात ही है ना। हिजाब पहनने के चक्कर में, हिजाब पहनवाने के चक्कर में ईरान के प्रेसिडेंट ने जो डिक्टेटरशिप जो लगाया था, जो वहां पर उन्होंने आतंकी जो सिनेरियो सेट किया था, उसके बाद महिलाओं ने क्या जवाब दिया और कैसा जवाब दिया कि मस्जिद के बाहर उन्होंने कपड़े खोल दिए थे, हिजाब चलाना स्टार्ट कर दिया था, बाल को काट काट करके उन्होंने चलाना स्टार्ट कर दिया था कि भाई तुम डिक्टेटरशिप चलाओगे तो जाओ, कोई मस्जिद ही नहीं जाएगा, कोई इस इस्लाम को मानेगा ही नहीं अगर तुम डिक्टेटरशिप चलाओगे। अब मेरा कहना है कि अगर वाकई में ये अल कुरान पर चलते हैं, अगर वाकई में ये इस्लाम पर चलते हैं, अगर वाकई में मुसलमान मर्द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए उसूलों और सुन्नत रसूल पर चलते हैं, तो जिस मुंह से आयतें पढ़ते हैं, जिस मुंह से कुल पढ़ते हैं, 4 कुल पढ़ करके नमाज पढ़ते हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर करते हैं, उस मुंह से गंदी गालियां कैसे निकलती हैं इनके, उसी मुंह से गंदी गालियां कैसे निकलती हैं? कुरान को 10 उंगलियों से उठाया जाता है और फिर एक शहादत की उंगली से उसको पढ़ा जाता है, और फिर उसी 10 उंगलियों से तुम टाइप कर करके गंदी गंदी गालियां लिख लेते हो माँ बहन की। सही बात है, अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। अब मेरी तीसरी बात आती है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सुन्नत रसूल में ये कब लिखा कि तुम कोठा चकला और प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करो और करवाओ, या वहां जा करके अपनी अय्याशियां पे लो, ये कब कहा उन्होंने? आज अगर गूगल में सर्च करो और डेटा निकालो तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉर्न मूवीज देखी जाती है, सबसे ज्यादा, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद फिर आता है तेहरान जहां पर पॉर्न मूवीज सबसे ज्यादा देखी जाती है, उसके बाद फिर आता है अय्याशी में ईरान। आपको पता है ईरान में आज भी तवायफ खाना है, आज भी वहां पर लड़कियां निकाह मुत्ता और निकाह मसियार के नाम पर बेची जाती हैं और खरीदी जाती हैं चंद महीनों के लिए और चंद दिनों के लिए, और फिर वो बंदा जो निकाह मसियार के नाम पर शारीरिक संबंध करता है वो कहाँ गायब होता है, ये औरतों को पता भी नहीं चलता है। बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पर, अल जजीरा पर ऐसे कई इंटरव्यूज आए हैं, वो लड़कियां रोई हैं, कल्पी हैं, सामने में मीडिया के सामने कल्पी हैं। आज आप सोचो कि आपके यहाँ प्रिया कुमारी नाम की एक बच्ची को 2 साल पहले किडनैप किया गया, उस बच्ची का पाप क्या था? उस बच्ची का पाप था कि वो अपने पिता के साथ 2 साल पहले मुहर्रम के जुलूस में मुहर्रम के लोगों को जो जुलूस निकाले थे उनको शरबत पिला रही थी, उनको शरबत पिला रही थी 2 साल पहले, और वो वहां के एक ऐसे पावरफुल, पाकिस्तान के एक ऐसे पावरफुल लोगों इंसान के नजर में आ गई कि उसकी उसी रात को उसको किडनैप कर लिया गया और आज तक उसका पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल, आज हमारे दुनिया के हर एक मुसलमानों को ना शर्म से नजर नीची कर देनी चाहिए, और खास करके पाकिस्तान के मुसलमानों को शर्म से नजर नीची करनी चाहिए, क्योंकि आपके पाकिस्तान का हिंदू जो सियासतदान है दिनेश कुमार जो MLA है, वो मुसलमानों को पाकिस्तान की असेंबली में खड़ा हो करके लकुम दीनकुम वलयदीन बता रहा है। आयत अल 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 काफिरून बता रहा है, वो बता रहा है कि भाई तुम्हारे कुरान में किसी को फोर्सिबली कन्वर्शन कराना मना है। एक हिंदू बता रहा है कि तुम्हारा अल कुरान ये कहता है लकुम दीनकुम वलयदीन, तुम अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। एक हिंदू MLA
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पाकिस्तान का पाकिस्तान के मुसलमानों को सरेआम बता रहा है कि भाई तुम अल काफिरून पढ़ लो, आयत अल काफिरून पढ़ लो, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी काफिर को जिसको तुम काफिर मानते हो उसको फोर्सिबली कन्वर्शन तुम नहीं करवा सकते हो, उसकी अनुमति और उसकी रजामंदी से कन्वर्शन करवा सकते हो। सही बात है। आज आज भारत में हमारे भारत के प्रधानमंत्री, मैं मानती हूँ कट्टर हिंदू है, पर उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि किसी का कन्वर्शन कराओ और किसी को हिंदू बना दो, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। तो आकर मुसलमान ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आज जिसको तुम काफिर कह रहे हो, जिसको तुम पीगन कह रहे हो, जिसको तुम बुत परस्त कह रहे हो, आज वो तुम्हें बता रहा है भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कि तुम्हारे अल कुरान में 306 बार इकरा की बात, पढ़ने की बात कही गई है, शिक्षा की बात की गई है, 800 बार इंसानियत की बात कही गई है। तो पाकिस्तान हो या भारत हो, ये तो हिंदू बता रहे हैं आपके कुरान में क्या लिखा हुआ है, मुसलमान नहीं पढ़ रहे। धर्म से चुल्लू भर पानी में डूब करके मुसलमान मर्दों को मर जाना चाहिए कि अब हिंदुओं को बताना पड़ रहा है कि तुम्हारा अल कुरान कितना खूबसूरत है और तुम्हारे अल कुरान में इंसानियत की बात बताई गई है, शिक्षा की बात बताई गई है, परहेजगारी की बात बताई गई है, मीठे जुबान की बात बताई गई है, और तुम वो सबसे दूर हो चुके हो कि अब हिंदू बता रहे हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह शैला खान और नाजिया अली खान जी का ये दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा भारत की बेटी नाजिया अली खान जी ने हमेशा की तरह अपने बेबाक अंदाज से काफी सारी चीजों को उजागर किया, बहुत सारे सेंसिटिव और कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दों को आपके सामने रखा और खासकर उन्होंने बात की कन्वर्जन के मामले की, जो खासकर आजकल पाकिस्तान में बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में आए दिन कई सारी बच्चियों का जो है कन्वर्जन हो रहा है और जबरदस्ती उनको किया जा रहा है। बाकी जैसे आपने देखा नाजिया अली खान जी ने खुद कहा कि अब ऐसा समय आ गया कि मुस्लिम्स को अब हिंदू जो है वो कुरान के बारे में पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं कि कुरान में एक्चुअली में क्या लिखा है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।